बर्ड फ्लू वापस से इंडिया में फैल रहा है तो चलिए जानते हैं कि बर्ड फ्लू क्या है ये किस तरीके से फैलता है और इससे रिलेटेड हम अपनी डाइट में क्या-क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं बर्ड फ्लू के सब टाइप्स H5N1 H7N9 H9N2 में से H5N1 सबसे ज्यादा कॉमन है अभी तक ह्यूमन इन्फेक्शन जितने भी हुए हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और फिर कंटेमिनेटेड एनवायरमेंट में रहने की वजह से हुए हैं ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन्ड ट्रांसमिशन सामने नहीं आया है यहां पे हम इसलिए बॉर्डर है बिकॉज इसके अंदर 60% परसेंट है अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फीवर एंड कफ अली स्पुटम प्रोडक्शन की वजह से सीवियर निमोनिया सेप्सिस विथ शॉक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस

पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक रेगुलर हैंड वॉशिंग गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन कफिंग या स्नीजिंग के टाइम अपने माउथ एंड नोज को कवर करना टिश्यूज़ का इस्तेमाल करना और उनको बहुत ही प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना अगर आप बर्ड्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं और अगर आपको फीवरिश फील होता है तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना सिक पीपल के आप कांटेक्ट में ना आइए और कोशिश करें अगर आप फीवरिश फील कर रहे हैं तो अपनी आईज़ माउथ एंड नोज को कम से कम टच करें तो इससे जो इसका ट्रांसमिशन है वो कम से कम होगा अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है क्या एग एंड चिकन यहाँ पे खाना सेफ है क्या तो डब्ल्यू एच के हिसाब से ये सेफ है अगर प्रॉपरली प्रिपेर्ड हैंडल्ड एंड कुक्ड है नॉर्मल जो कुकिंग टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से अबाउ होता है तो ये हीट सेंसिटिव वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है वो ये है कि ये प्रॉपर्ली हैंडल्ड एंड कुक्ड होना चाहिए साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि बर्ड फ्लू हेल्दी लोगों के अंदर फैला है जिसका रीज़न एग या मीट का कंजम्पन है तो ध्यान रखें कोविड के टाइम पे हमने इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा है कि फूड हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप कोई भी फूड आइटम लाते हैं चाहे एग हो बर्ड मीट हो या चिकन हो बट इसको प्रॉपरली हैंडल करना एंड कुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है